वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का वीडियो है आप सभी ICSE क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट ऑफ फाइव रूल ये क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता होगा, बट कुछ एक बच्चे कन्फ्यूज़ हैं और इसको लेकर के वो कमेंट कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ फाइव रूल क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। देखो होता क्या, अगर आप देखोगे तो आपके ICSE क्लास 10th के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश के दो पेपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे ही आपके हिंदी का एक पेपर होता है, तीसरे नंबर पर आपके पेपर होते हैं हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। फिर आपका फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स होता है, देन फिफ्थ नंबर पे आपका होता है फिज़िक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड देन कोई एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं आप एग्जांपल दे दूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल आपके ICSE बोर्ड में 10 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आपका बोर्ड का फाइनल रिज़ल्ट आ रहा होता है तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका एक सब्जेक्ट बनता है इंग्लिश, हिंदी आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी को कंबाइन करके बनता है सोशल साइंस, मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होता है, एंड इन तीनों को फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को कंबाइन करके आपका बनता है साइंस, एंड आपका ऑप्शनल एक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से टोटल आपके का जब रिज़ल्ट पब्लिश होता है तो हम लोग 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप पेपर 10 दे रहे होते हो, बट जो आपका रिज़ल्ट आएगा सबका मार्क्स आपको बताया जाएगा, आपको फिजिक्स में कितना मिला है, बायोलॉजी में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, लेकिन सबका एवरेज करके आपका एक नंबर दिया गया जाता है साइंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं जब इनको हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं। और बेस्ट ऑफ फाइव रूल ये कहता है कि जिस भी बच्चे का जिन आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क देखे जाएंगे। यानी अगर आप एक एग्जांपल में लिया जाए कि अगर आप मान लो मैथ्स में आपको मिला 98 मार्क्स, इंग्लिश में आपको मिला 75 मार्क्स, साइंस में आपको मिला 69 मार्क्स, सोशल साइंस में आपको 78 मिला, एंड हिंदी में मान लो आपको 80 मार्क्स मिल गए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 93 मार्क्स मिले। तो जब आपको बेस्ट ऑफ फाइव काउंट करना होगा तो आप अपने टॉप 5 के सब्जेक्ट्स को चूज करोगे जिनमें आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। इसी को कहते हैं बेस्ट ऑफ फाइव रूल, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो अभी बस मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना होगा कि अभी आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, अभी से आप ये प्लान ना करें कि मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स ये होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो ऐसा ना हो, कोई एक आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। तो अभी आपको 6 जो भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके 10 सब्जेक्ट हैं कह लो, सभी में आपको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल यही है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो जो आपके टॉप मोस्ट 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं के मार्क्स आप काउंट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटेज डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया अभी कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम से लेना है तो आपको साइंस के मार्क्स को काउंट करना ही करना है, साइंस मैथ्स को आपको काउंट करना ही करना होगा, एंड इंग्लिश को। तो को आपका इंग्लिश बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आता है, इसको हम लोग हरदम काउंट करते हैं, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी आप 4 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए फ्री हो, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आप 11th क्लास में किस स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप साइंस से एडमिशन लोगे तो आपको साइंस मैथ्स काउंट करना होगा, अगर आप आर्ट साइंस से जाओगे तो आपको हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म करना होगा, इसके मार्क्स आपको 100% काउंट करने होंगे। तो ये आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल है कि जो भी आपके टॉप 5 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के मार्क्स आप दूसरे को बता रहे होते हो कि मेरे इतने नंबर्स, मैंने इतने परसेंटेज मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर ये आपको अच्छे समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।